नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी होली की बधाई। बीपीएससी की 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी। रुपेश सिंह मामले में ऋतुराज की जमानत को लेकर आया अहम फैसला। बिहार में कोरोना के मिले लगभग 200 मामले। बिहार के कामगारों के खाते में नीतीश सरकार भेजेगी राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी होली की बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश प्रदेश के लोगों को होली की बधाई दी है। कोविड-19 के माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घरों में ही रहकर होली मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में होली की पारंपरिक प्रेम, आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि होली का यह पवित्र त्यौहार बिहारियों की जिंदगी में खुशियों का नया रंग लेकर आएगा। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना किसी भेदभाव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर होली मनाते हैं और लोग आपसे मिलकर खुशियां बांटते हैं। बीपीएससी की 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी। बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा 5 जून को आयोजित करवाई जाएगी। बीपीएससी की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभ्यर्थी आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आयोग के कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तारीख 7 मई तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में हिंदी और 2 पेपर सामान्य अध्ययन 300-300 अंकों के शामिल होंगे। रुपेश सिंह मामले में ऋतुराज की जमानत को लेकर आया अहम फैसला। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह मामले में मुख्य आरोपित ऋतुराज को लेकर ACJM सहित सब जज 4 ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत आरोपित ऋतुराज की नियमित जमानत पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया गया है। खबरों की माने तो कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता की तरफ से दाखिल किए गए केस डायरी के पारा 77 से 439 तक के पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज और आरोपित की स्वीकृत बयान के आधार पर ऋतुराज की जमानत को खारिज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल पर जाते और वहां से वापस भागते हुए ऋतुराज को भी देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना पुलिस ने ऋतुराज को उनके घर के पास से ही पकड़ा था और उनके पास से आर्म्स बरामदगी का दावा करते हुए जेल भेज दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले लगभग 200 मामले। बिहार में कोविड-19 के मामले में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 195 मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 15 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 80 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 9 और गया में भी 9 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 261,917 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,115 पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में रिकवरी प्रतिशत की बात करें तो यह 98.8% दर्ज की गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 78 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। पंचायत चुनाव में ईवीएम के कारण फंसा मामला। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जहां एक तरफ जोर शोर से हो रही है, वहीं चुनाव कब आयोजित करवाए जाएंगे इस पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। और यह सब कुछ ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में फंसे दाव पेच के कारण हो रहा है। जानकारों की माने तो बिहार में पंचायत आम चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन ईवीएम को बिहार मंगाने को लेकर अब तक कोई नई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हो पा रही है। जबकि वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जून 2021 को समाप्त होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि ईवीएम से जुड़े विवाद को लेकर अब तक कोई नई पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णय के लिए याचिका दाखिल कर दी है। बिहार के कामगारों के खाते में नीतीश सरकार भेजेगी राशि। निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े राज्य के लगभग 15 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार जल्द ही 446 करोड़ रुपए इन सभी श्रमिकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण के लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाले अनुदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हर श्रमिक के खाते में 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। बिहार राज्य का सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य के 14,87,023 श्रमिक पंजीकृत है। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले वैसे श्रमिक है जिनकी उम्र 60 साल तक है। ऐसे श्रमिक को राज्य सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल 3,000 देती है। होली पर 3 लेयर में होगी सुरक्षा व्यवस्था। आज से होली पर्व की शुरुआत हो गई है, जहां आज होलिका दहन होने वाला है, वहीं कल धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि इस बार होली के दिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम करने वाली है। इसको लेकर ही बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार होली पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 3 लेयर बनाए गए हैं। 1 लेयर की जिम्मेदारी SDPO दिलीप कुमार को दी गई है। इसके साथ ही इनके जोन वाइज पदाधिकारियों को बैठकर अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहपुर सर्कल की जिम्मेदारी डीएसपी मुख्यालय असरार अहमद को दी गई है। इसके साथ ही दोनों सर्कल में बाइक से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है। अलग से भी फोर्स को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। एसपी ने त्यौहार को लेकर लोगों से अपील की है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। बिहार में जमीन म्यूटेशन के लिए बन रहे हैं नए नियम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज में गलती को लेकर विभाग के कर्मियों को जिम्मेदार बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। भूमि विवाद को रोकने के मकसद से बनाए जा रहे इस नए कानून में दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने पर राजस्व कर्मचारी से लेकर सीआई और सीओ तक पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि दाखिल खारिज में गड़बड़ी एक गंभीर समस्या है। अक्सर यह मामला आता रहता है कि एक ही जमीन में से मालिक एक से अधिक लोगों को जमीन बेच देता है। बिहार बोर्ड के बाद अब मदरसा बोर्ड ने जारी किया फोकानी और मौलवी का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फोकानी और मौलवी के परीक्षा फल को जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के समान ही फोकानिया में 64,679 और इंटर के समक्ष ही मौलवी की परीक्षा में 61,000 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इंटरमीडिएट के परीक्षा फल की तरह फोकानिया और फिर मौलवी की परीक्षा फलों में भी लड़कियों का दबदबा कायम रहा है। खास बात यह है कि मौलवी में 54 और फोकानिया में 67 गैर मुस्लिम में परीक्षार्थियों ने भी अपना परचम फैलाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फोकानिया में छात्रों से अधिक छात्राएं सफल हुई है, जिसके तहत 5,502 परीक्षार्थियों में से सफल होने वाले 3,408 छात्राएं हैं, बाकी 2,094 छात्र हैं। दो दिन में काम पूरा नहीं करने वाले मुखिया जी का चुनावी मैदान में उतरना होगा मुश्किल। बिहार के मुखिया के लिए अंतिम दो दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। खबरों की माने तो दो दिन में अगर मुखिया जी को दिया हुआ काम पूरा नहीं किया गया तो मुखिया जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। समय सीमा के अंदर टास्क पूरा नहीं करने वाले मुखिया को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग में इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च की समय सीमा दे दी गई है। इस समय सीमा के अंदर ग्राम पंचायतों में दी गई राशि का ऑर्डर करना जरूरी है। इसके साथ ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि पहले यह आदेश जारी किया गया था। आदेश में उन्होंने साफ कहा था कि सभी ग्राम पंचायत 31 मार्च तक ऑडिट करा ले। ऐसा नहीं करने वाले मुखियाओं को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पटना में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का किया लोकार्पण। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना सिटी के अगमकुआं स्थित RMRI रिसर्च सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 सरफेस तेजी से फैल रहा है, इसीलिए सभी लोग सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क का उपयोग जरूर करें। अभी होली का पर्व है, जिसको लेकर दूसरे राज्यों में लोग आएंगे, इसीलिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अभी जो वैक्सीन है वो हनुमान जी की संजीवनी बूटी है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह किसी रामबाण से कम नहीं है, यह वैक्सीन स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा पर बरसे कन्हैया कुमार। भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने हाल ही में भाजपा पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया है और कहा है कि असम में भगवा पार्टी के शीर्ष नेता हेमंत बिस्व शर्मा की तुलना महाभारत में मथुरा के अत्याचारी शासक राजा कंस से कर दी है। दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाने संबंधी मोदी की टिप्पणी को सबसे बड़ा झूठ बताया है। उन्होंने असम के लोगों से आग्रह किया है कि वो उन लोगों का समर्थन ना करें जो राष्ट्रवाद के नाम पर देश के स्थानों को बेच रहे हैं। ऋषभ पंत की बैटिंग के फैन हुए इज्माउल हक। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में महज 40 गेंद में 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले ऋषभ पंत की हर तरफ से वाहवाही हो रही है। इसी क्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इज्माउल हक ने भी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने पंत की तुलना महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट से की है और कहा है कि अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो इन दोनों को काफी पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि जिसने इंडिया की बैटिंग को निचले क्रम में बूस्ट दिया वो ऋषभ पंत है, जिन्होंने 40 में 77 रनों की आतिशी पारी खेली। उनकी वजह से ही इंडिया का रन रेट ऊपर चला गया और ऐसे में पिछले 6-7 महीनों से मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूं। कृष्णा अभिषेक की बहन आरती ने खरीदी आलिशान जीप। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम रह चुकी आरती सिंह ने हाल ही में अपनी कमाई से नई गाड़ी खरीदी है। आरती ने इस अचीवमेंट पर उनके भाई कृष्णा अभिषेक भी काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने अपनी बहन की इस नई आलिशान कार का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और इसके साथ ही अपनी खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो में यह बताया है कि इस कार को आरती ने खुद खरीदा है और एक भाई से एक पैसे की भी मदद नहीं ली है। वहीं इस वीडियो में दिख रहा है कि आरती की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपने भाई के प्यार को बयान करती हुई नजर आ रही है। कृष्णा अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आरती की नई आलिशान जीप का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, ये आरती की नई कार है, बधाई हो, कैसा लग रहा है, इस नई गाड़ी को लेकर मैं शूट पर जरूर जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी मैच में भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस
इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।